देखते हैं क्या क्या सामान चाहिए। 1 लीटर दूध, 6 से 7 छोटी इलायची पिसी हुई, और 3 चम्मच मिल्क पाउडर खाने के चम्मच से, और 2 चम्मच हम ले लेंगे 6 पिस्ता ले लेंगे, 3 काजू और 3 बादाम। इसे मिक्सर में बारीक कर लेंगे। फिर हम लेंगे 4 चम्मच चावल, जिसे हम धो के सुखा लेंगे, फिर उसके बाद पीसेंगे। चाहिए कितने अच्छे से बारीक हुआ है ये। 1 चम्मच रोज़ वाटर लेंगे हम, और ये 2 चम्मच हम लेंगे देसी घी, और ये हम लेंगे पिस्ता खीर में कलर आने के लिए 2 चुटकी ग्रीन कलर। पहले इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे। गैस को हम स्लो कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी, अब ये जो चम्मच में हमारे घी लगा हुआ देखिए हमारा घी गल चुका है। अब हम ये छोटी इलायची इसे थोड़ा पास कर देंगे ताकि ये जल्दी से हो जाए। इसे हम थोड़ा चला देंगे। 1.5 कप हम शक्कर लेंगे। इसके अंदर देख लिए हमारी छोटी इलायची लाल हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे हम शक्कर, अब हम इसे चला लेंगे। कितना अच्छा दिख रहा है हमारा दूध। तब तक पकाएंगे हम इस दूध को जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, और उबाल आने के बाद इसका फ्लेम हम स्लो कर देंगे। देखिए अब हमारे दूध में उबाल आ रहा है। गैस हम स्लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ चावल, और इसे चला लेंगे हम ताकि अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, इसे हम चला लेंगे। गुंठा पहले जो है हम रख देंगे ताकि हम इसको हम स्लो आंच पे रख देंगे ताकि दूध हमारा थोड़ा पक जाए। स्लो फ्लेम पे कर दे गैस। देखिए हमारा खीर पहले से थोड़ा ठीक हो गया है। जो हमारे पास ड्राई फ्रूट थे पिसे हुए, अब हम उसे डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, और इसमें डालेंगे कलर गैस। अब हम अपने हिसाब से कलर डालेंगे। पहले थोड़ा सा डाल के देखेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया। आप अपने हिसाब से कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम 1 मिनट और पका लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी गाढ़ी हो चुकी है। अब देखिए 1 मिनट हो चुका है, हमारी खीर पक चुकी है। हम गैस बंद कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे रोज़ वाटर जो 1 चम्मच था। इससे हमारे पिस्ता खीर में बहुत बेहतरीन खुशबू आएगी। अब हम इस देखिए अब हमारी खीर हो गई है तैयार। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिससे ये बहुत खूबसूरत दिखने लगेंगे। इसमें हमने काजू और सिर्फ बादाम लिया है। आप अगर चाहें तो और कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे बनाएं ज़रूर, और हमें फीडबैक दें। हाफिज़ हाफिज़। आप सब खैरियत से रहें।